नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय। जब हमारे विद्वानों ने, प्राचीन जो विद्वान थे संस्कृत के, जब उन्होंने काव्य की आत्मा अथवा काव्य का प्राण तत्व अथवा काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है इस पर विचार किया, तो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों ने जन्म लिया। तो इन्हीं में से एक है अलंकार संप्रदाय। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वह है रस संप्रदाय या रस सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय। तो अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे अलंकृत करता है, अर्थात काव्य को सुंदर बनाता है। तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ? काव्य को सुंदर बनाने वाले तत्व को हम कहते हैं अलंकार। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इस पर विचार किया था। आचार्य भरत मुनि का समय है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी, अर्थात लगभग 400 वर्ष का जो समय हुआ है उसी के बीच में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके बारे में एकदम प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकार पर विचार किया था, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, और इसे प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उन्होंने किन किन अलंकारों पर विचार किया है? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। परंतु इस समय अलंकार सिद्धांत अथवा अलंकार संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में सबसे प्राचीन जो प्राचीन संप्रदाय है वह है रस संप्रदाय। तो अलंकार सिद्धांत के जन्मदाता हैं आचार्य भामा, और इनका समय है 6वीं शताब्दी ईस्वी, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है काव्य अलंकार। आचार्य भामा ने इस ग्रंथ में 37 अलंकारों का निरूपण किया है, 37 अलंकारों का उल्लेख किया है, और उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, अथवा यह बताया है कि अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकारवादी अन्य आचार्यों में, संस्कृत के जो अन्य आचार्य हैं उनमें आचार्य भामा तो प्रवर्तक हैं, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, रुयक, जयदेव और अप्पय दीक्षित प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने अलंकारों पर विचार किया है, लेकिन मूलतः वे अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो आइए हम देखते हैं प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन है। सबसे पहले भामा, आचार्य भामा। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, और इसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं और 37 अलंकार हैं। इन्होंने 37 अलंकारों को इसमें उल्लेख किया है। यह अलंकार शास्त्र का अति व्यवस्थित और विवेचनपूर्ण ग्रंथ है। मतलब इन्होंने बहुत ही डिटेल्स में अलंकार पर इस पर विचार किया है, उनका उल्लेख किया है उदाहरण से। आचार्य भामा के अनुसार अलंकार का काव्य का प्राण तत्व है अथवा काव्य की आत्मा है। वे कहते हैं, न कांतमति निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्राय छात्रों के मन में यह दुविधा रहती है कि यूजीसी नेट का सिलेबस अलग है, क्वेश्चन अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन अलग है, अन्य परीक्षाओं का क्वेश्चन अलग है। ये सिद्धांत, ये नाम, ये किताबें कभी बदलती नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी बात यह है कि यह यथावती रहता है। तो इन सब चीजों का हर परीक्षा में काम आने वाली बातें हैं, किसी पर्टिकुलर परीक्षा से रिलेटेड नहीं रहता। ये आप पीजी का एग्जाम दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, ये सारी चीजें यथावत रहेंगी, इन्हें ही आपको लिखना है। तो आचार्य भामा ने परिभाषित करते हुए कहा है, जैसे कि अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य सुंदर होने पर भी मूल्यहीन है। वे अलंकार रहित कथन को काव्य न कहकर वार्ता की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार आचार्य भामा ने अलंकार और अलंकार में कोई भेद नहीं किया। जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री है, कोई स्त्री ठीक है खूबसूरत है, लेकिन फिर भी यदि वह अलंकार धारण नहीं करती है, ज्वेलरी नहीं पहनती है, गहने नहीं पहनती, तो उतनी खूबसूरत नहीं दिखेगी। वैसे कोई कविता कितनी भी अच्छी हो, यदि उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया, तो वह हमको पढ़ने में या सुनने में उतना आनंद नहीं देगी वह कविता। और आचार्य भामा ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि किसी काव्य में अलंकार नहीं है तो वह सिर्फ वार्ता है। वार्ता मतलब कथोपकथन, दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है। अब अलंकार और अलंकार क्या है? अलंकार मतलब आभूषण कह सकते हैं, और अलंकार मतलब जिसको सजाया जाता है। जैसे कविता क्या है? कविता हो गया अलंकार, और अलंकार के द्वारा कविता को सजाया जाता है। तो जिसको हम सजाते हैं, जिसको हम खूबसूरत बनाते हैं, वह कहलाता है अलंकारी, और जिसके माध्यम से हम खूबसूरत बनाते हैं वह कहलाता है अलंकार।
आचार्य भामा भले ही अलंकारवादी आचार्य थे लेकिन उन्होंने रस की भी उपेक्षा नहीं की है और वे रस को, जितने भी रस है उनको वे अलंकारों के अंदर ही समाविष्ट करते हैं, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने पहले रस सिद्धांत की स्थापना कर दी थी। तो आचार्य भामा ने जितने भी रस हैं उनको अलंकारों के अंदर ही शामिल कर लिया है। आचार्य भामा का जो मत है उनका जो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, सार तत्व कौन से हैं उनमें, अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, मतलब मुख्य तत्व है, प्रमुख तत्व है, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसे काव्य की आत्मा कहा है। अलंकृत कथन ही काव्य है, मतलब कोई भी कथन जिसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है वही काव्य है। भामा अलंकार और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकार मतलब जिसके माध्यम से हम सजाते हैं और अलंकार मतलब जिसको सजाते हैं, इन दोनों में उन्होंने भेद नहीं माना है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति मतलब विचित्र ढंग से कही गई बात, आश्चर्यजनक ढंग से कही गई बात को हम कहते हैं वक्रोक्ति, यह अलंकार का एक रूप। इस रस भी एक प्रकार का अलंकार है, आचार्य भामा ने रस को भी क्या कहा है, अलंकार ही कहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे आचार्य आचार्य दंडी है। आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यादर्श है, इसमें 660 श्लोक हैं। इन्होंने अलंकार के साथ साथ रीति और गुणों की भी चर्चा की है, काव्य रीति और काव्य गुणों की भी इन्होंने चर्चा यहाँ पर की है। भामा के समान दंडी भी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, जैसे भामा उसको आत्मा मानते हैं काव्य के, वैसे ये भी उसको आत्मा मानते हैं। इनका कहना है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है, अर्थात काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं वे अलंकार हैं। तो स्पष्ट है कि जो आचार्य दंडी हैं वे भी अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। दंडी अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को मानते हैं, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कही गई कोई बात, तो ये कहते हैं अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति होता है। तो भामा जिसे कहते हैं वक्रोक्ति, मतलब विचित्र ढंग से कही गई बात, इसको कहते हैं वक्रोक्ति, चमत्कारपूर्ण ढंग से कही गई बात को हम कहते हैं वक्रोक्ति, और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम कहते हैं अतिशयोक्ति। तो दंडी क्या है, जिसको आचार्य भामा जिसे इन्होंने वक्रोक्ति कहा है उसे ही दंडी ने क्या कहा है, अतिशयोक्ति कहा है। तो उनके मत का सार क्या है, प्रमुख बिंदु क्या है इनके मत के, अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है, शोभा कारक मतलब सौंदर्य उत्पन्न करने वाला तत्व। अलंकार और अलंकार के भेद को दंडी नहीं मानते, दंडी भी नहीं मानते, उनका भी कहना है कि अलंकार और अलंकार में कोई भेद नहीं है। अलंकार का मूल अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के कारण ही अलंकार जन्म लेता है, वही उसका मूल है। वे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में भेद नहीं मानते। तो दंडी का भी कहना है, आचार्य दंडी का कहना है कि जो वक्रोक्ति है वही अतिशयोक्ति है, दोनों एक ही चीज है। पांचवा, काव्य के अन्य अवयवों को भी वे अलंकार में समाविष्ट करते हैं। काव्य के जितने भी अन्य अवयव, जितने भी अन्य तत्व होते हैं उसको भी उन्होंने अलंकार के अंदर में समाविष्ट कर लिया है, शामिल कर लिया है। तीसरे आचार्य वामन है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अलंकार संप्रदाय को पर्याप्त महत्व प्रदान किया है, इसीलिए उनकी गणना अलंकारवादी आचार्यों में भी की जाती है। परंतु वे अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म न मानकर शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व मानते हैं। शोभा कारक मतलब सौंदर्य उत्पन्न करने वाला, शोभा उत्पन्न करने वाला, तो उनका कहना है कि उत्पन्न करने वाला तत्व नहीं है बल्कि यह सौंदर्य में वृद्धि करने वाला तत्व है। तो आचार्य वामन का यह कहना है कि जो अलंकार है वह काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं करता, सौंदर्य उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह सौंदर्य में वृद्धि करता है, सौंदर्य को बढ़ाता है। इनका कहना है संस्कृत में काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेत वसत्व अलंकारा, अर्थात काव्य का शोभा कारक धर्म अथवा गुण क्या है, रीति है, और अलंकार उसे अतिशयता प्रदान करता है। अर्थात काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाला कौन सा चीज है, मुख्य तत्व। काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाला तत्व है गुण अथवा रीति, और अलंकार उसमें वृद्धि करता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवित्ती, जिसमें उन्होंने गुण को काव्य की आत्मा मानते हुए अलंकार को एक प्रमुख तत्व माना है। आचार्य वामन ने गुण को काव्य की आत्मा माना है लेकिन उन्होंने अलंकार को एक प्रमुख तत्व माना है। आचार्य कुंतक का मत क्या है, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तथापि उन्होंने अलंकार संप्रदाय पर भी, अलंकार पर भी विचार किया है। उनका आचार्य कुंतक यद्यपि अलंकार के पक्षधर है, अलंकार का वो समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना क्या है, अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म न मानकर उसे उपादान कारण ही स्वीकार करते हैं। आचार्य कुंतक का भी यह मत है कि जो अलंकार है वो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न नहीं करता,
काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं करता, सुंदरता उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सौंदर्य की वृद्धि में वह सहायक होता है। तो इन्होंने उपादान के रूप में स्वीकार किया है, एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व है अलंकार, न कि शोभा उत्पन्न करने वाला तत्व है। उनके अनुसार काव्य न तो अलंकार है और न ही अलंकार ही, बल्कि दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है। उनका कहना है कि काव्य केवल अलंकार भी नहीं है और काव्य अलंकार्य भी नहीं है, बल्कि इन दोनों का मेल जब हो जाता है, इन दोनों का जो समन्वित रूप है, तभी काव्य का सृजन होता है। मतलब जब अलंकार और अलंकार्य आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तब काव्य की रचना होती है। तो इन दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है। आचार्य उद्भट ने क्या कहा है? अलंकारवादियों में आचार्य उद्भट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जो वस्तुतः आचार्य भामा के काव्यालंकार की टीका है। टीका मतलब उसकी व्याख्या करना, है ना। जो भी उन्होंने आचार्य भामा का जो ग्रंथ है काव्यालंकार है, इसकी इन्होंने टीका लिखी है, उसकी व्याख्या लिखी है। और किस नाम से लिखा है? काव्यालंकार सार संग्रह। वे गुण और अलंकार को काव्य में चारुता सुंदरता का द्योतक मानते हैं, किंतु गुण और अलंकार की सत्ता को अलग अलग स्वीकार करते हैं। तो जो आचार्य उद्भट हैं, इनका मानना है कि जो काव्य के जो गुण हैं और जो काव्य के जो अलंकार हैं, वे दोनों काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए जरूरी है, है ना। चारु मतलब होता है सुंदर, चारुता मतलब सुंदरता। जिन लड़कियों का नाम चारु होता है उसका मतलब होता है सुंदर, चारुता मतलब होता है सुंदरता। तो यह उसका द्योतक द्योतक मानते हैं, उसका प्रतीक तो है। गुण और अलंकार सुंदरता का प्रतीक तो है, किंतु गुण और अलंकार दोनों की सत्ता अलग अलग स्वीकार करते हैं। मतलब दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों की स्थिति अलग अलग है, एक दूसरे से दोनों पूरी तरह से भिन्न है। आचार्य रुद्रट का क्या कहना है? आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है। इसमें कुल 16 अध्याय, इनमें से 11 अध्याय में उन्होंने अलंकारों का विशद विवेचन किया है, गहन अध्ययन चिंतन और विवेचन किया है, विचार विमर्श किया है, उनकी व्याख्या की है। तो इनका जो अलंकार विवेचन है बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने अर्थालंकारों को चार आधारों पर वर्गित किया है। इनके अनुसार अर्थालंकार चार प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तव, इसके अंतर्गत 23 अलंकार हैं। फिर औपम्य, इसके अंतर्गत 21 अलंकार हैं। फिर अतिशय, इसके अंतर्गत 12 अलंकार हैं। अश्लेष, इसके अंतर्गत 10 अलंकार हैं। अब आचार्य रुयक का क्या मानना है? आचार्य 12वीं शताब्दी में आचार्य रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है। तो इस ग्रंथ में इन्होंने कुल 81 अलंकारों का वर्णन किया है, 81 अलंकार, जिसमें से 75 अर्थालंकार हैं और 6 शब्द अलंकार हैं। तो यद्यपि इन्होंने अलंकार संप्रदाय में अपना पर्याप्त योगदान दिया है, इसका विकास किया है, लेकिन मुख्यतः यह ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। तो उनके ग्रंथ पर ध्वनि सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद आचार्य जयदेव आते हैं। आचार्य जयदेव के अलंकार ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट का उन्होंने आलोचना किया है। और आलोचना करते हुए क्या कहा है? आचार्य मम्मट अलंकार विरोधी आचार्य रहे होंगे, इनका विरोध करते हुए इन्होंने कहा है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असव न मन्यते कस्मात् अनुष्णम मनलंकृति। इसका तात्पर्य है, जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं, वे विद्वान अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार उष्णता अथवा गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, अग्नि मतलब गर्म ही रहेगी, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसी प्रकार जो अलंकार है वह काव्य में स्वाभाविक रूप से शामिल रहेगा। जिस प्रकार अग्नि में गर्मी शामिल रहती है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकार स्वाभाविक रूप से शामिल रहता है, उसका धर्म है, उसका मुख्य तत्व है। चंद्रालोक में उन्होंने 104 अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें 100 अर्थालंकार हैं और 4 शब्द अलंकार हैं। हम तो जानते हैं कि 3-4 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, व्यालंकार, भी कई प्रकार के अलंकार होते हैं। तो वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे कभी, वो व्याकरण का, वो व्याकरण के कोर्स में शामिल रहे। अब संस्कृत के इन अलंकारवादी आचार्यों के अतिरिक्त, अभी हमने जिन अलंकारों को देखा, अलंकारवादी आचार्यों को देखा, उसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने भी इस पर विचार किया है। इन्होंने काव्य में अलंकारों के महत्व को तो एक स्वर से स्वीकार किया है, किंतु वे अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते। तो इन्होंने इस पर चर्चा की, इस पर विचार विमर्श किया है, इसके महत्व को भी स्वीकार किया है, लेकिन इनका कहना है कि काव्य में अलंकार क्या है, अनिवार्य तत्व नहीं है, इसके बिना भी काव्य की रचना की जा सकती है।
अब हिंदी के अलंकारवादी आचार्य, अभी तो हमने संस्कृत के आचार्य को देखा, अब हिंदी के अलंकारवादी आचार्य कौन कौन से हैं। हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों ने अलंकारों का पर्याप्त विवेचन किया। इसमें सबसे प्रमुख नाम है आचार्य केशवदास का। आचार्य केशवदास ने, ये अलंकारवादी आचार्य हैं, इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा है। यह प्राय परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी इनकी कविता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता मित। इसका कहना यह, इनका कहना यह है, अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती। मतलब बिना अलंकार के कोई कविता सुंदर नहीं दिखती, पढ़ने और सुनने में मजा नहीं आता किसी कविता को यदि उसमें अलंकार नहीं है। उसी प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, यदि उसने आभूषण या ज्वेलरी धारण नहीं किया है तो वह सुंदर नहीं दिखती है। मतलब भले ही वह उत्तम जाति वाली हो, अच्छी क्वालिटी की कविता हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई महिला हो, सुलक्षणा हो, सुंदर दिखने वाली कविता हो, सुंदर दिखने वाली स्त्री हो, सुंदर वर्ण हो, चाहे स्त्री का रंग बहुत अच्छा हो, गोरी भी महिला हो और सुंदर भी हो, और जो शब्द भी बहुत अच्छे अच्छे चूज किया गया है कविता में, है ना, सरस हो, मतलब वो महिला बहुत अच्छे बात करने वाली हो, या फिर कविता भी बहुत ही सरस हो और सुंदर वृत्त, बढ़िया छंदों का प्रयोग उसमें किया गया हो, और उसके चरित्र क्यों ना कितनी भी अच्छी हो महिला की, लेकिन फिर भी वो सुंदर नहीं लगती अलंकारों के बिना। यदि वह ज्वेलरी धारण नहीं करती तो सुंदर नहीं दिखेगी। इसमें कविता में यदि अलंकार ना हो तो उसको पढ़ने और सुनने में मजा नहीं आता है। तो इनका कहने का अभिप्राय है कि अन्य गुणों से संपन्न होने, चाहे कविता में कितने भी अधिक गुण हो, कविता उनका अनिवार्य गुण है। कविता जो है काव्य का अनिवार्य गुण है, जिसके अभाव में कोई भी कविता शोभा नहीं पा सकती। तो यह है रीतिकाल के अन्य अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं। जसवंत सिंह, भाषा भूषण इनकी रचना है। आचार्य गोप इनकी रचना है। रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण आदि रीतिकाल में अनेक अलंकार ग्रंथ लिखे गए, किंतु वह संस्कृत ग्रंथों के को आधार बनाकर लिखे गए, इसमें कोई मौलिकता नहीं है। तो रीतिकाल में बहुत सारे अलंकार ग्रंथ लिखे गए, लेकिन चूंकि यह संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है, इनमें कोई मौलिकता प्रतीत नहीं होती है। आधुनिक समय में, आधुनिक काल में अलंकारवादी आचार्य में कौन कौन से प्रमुख हैं। कन्हैयालाल पोद्दार इनकी रचना है अलंकार मंजरी। लाला भगवान दीन अलंकार मंजूषा इनकी रचना है। रमा शंकर शुक्ल रसाल इनकी रचना है अलंकार पीयूष। तथा डॉक्टर सुधींद्र काव्यश्री, डॉक्टर सुधींद्र की जो रचना है वह है काव्यश्री, इनके नाम उल्लेखनीय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आधुनिक समय के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक और महानतम व्यक्तित्व जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भी अलंकार पर विचार किया है और कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने, मतलब भावों की चरम स्थिति को दिखाने के लिए, ऊंचाई को दिखाने के लिए, और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। मतलब जो कंटेंट है कविता का, जो कंटेंट है उसके, जो गुण है उसमें, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको तीव्रता से दिखाने के लिए जिस उक्ति या जिन शब्दों, जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वही क्या है अलंकार है। मतलब जो घुमा फिरा कर जो हम बात कहते हैं अतिशयोक्ति के रूप में, वक्रोक्ति के रूप में, वही क्या है अलंकार है। वे अलंकार और अलंकार के भेद को भी स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि अलंकार अलग चीज है और अलंकार भी अलग चीज है। अलंकार मतलब जिसके माध्यम से हम सजाते हैं कविता को, वे तत्व अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार मतलब हो गया काव्य कविता जिसको हम सजाते हैं। जैसे कोई लड़की है उसको ब्यूटी पार्लर में जाकर उसको विभिन्न प्रकार की चीजों को लगाकर सजाया जाता है, तो लड़की अलंकार हो गई, कोई महिला अलंकार हो गई। और जो भी उसके ऊपर लगा रहे हैं, जो भी तत्व लगाए जा रहे हैं उसके जिस्म पे, वो क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। या फिर आभूषण जो ज्वेलरी पहनाई जाती है। तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अलंकार के विषय में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो हम समराइज करते हुए बता सकते हैं कि अलंकार क्या है और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है अलंकार सिद्धांत के संबंध में। अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है। तो अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसकी शोभा में वृद्धि करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व ना होकर सहायक तत्व है, मतलब अनिवार्य तत्व नहीं है बल्कि सहायक तत्व है। अलंकार और अलंकार्य में भेद है। अलंकार से अलंकार्य को अलंकृत किया जाता है, मतलब अलंकार और अलंकार्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलंकार के द्वारा अलंकार्य को मतलब सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है। अलंकार के मूल में वक्रोक्ति निहित रहती है, मतलब अलंकार के मूल में किस चीज की जरूरत पड़ती है, वक्रोक्ति, विचित्र ढंग से कही गई बात, विचित्र ढंग से कही गई उक्ति। अलंकार भाव का उत्कर्ष करने, मतलब जो कोई फीलिंग्स एंड इमोशंस है उसको बढ़ाने के लिए, और वस्तु के रूप गुण और क्रिया को प्रत्यक्ष करने में प्रायः सहायक होता है। मतलब कई बार हम जब कविता को पढ़कर कई चीजें, कई बातें हमको समझ में नहीं आती, तो अलंकार के माध्यम से तुलना करते हुए, अन्य प्रकार से अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि हमें समझाने का प्रयास करता है और यह इसमें सहायक होता है।
अलंकार चाहे काव्य की आत्मा भले ही ना हो पर वह उपेक्षणीय तत्व नहीं है। भले ही अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इसकी उपेक्षा कर दी जाए, मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते। कुछ आचार्यों ने तो अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए उसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। तो अलंकारवादी संप्रदाय के जो विद्वान है उनका कहना है कि अलंकार काव्य की आत्मा है। तो यहाँ हम इस विवाद पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे कि काव्य की आत्मा रस है कि ध्वनि है कि अलंकार है, किंतु इतना हम अवश्य कहेंगे कि जो अलंकार है उसको प्रायः सभी आचार्यों ने उसके महत्व को स्वीकार किया है, उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। इस प्रकार सभी कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों को स्थान दिया है और विश्व साहित्य में शायद ही ऐसा कोई कवि मिलेगा जिसके काव्य में अलंकारों का प्रयोग ना हो। यदि किसी कवि ने अलंकारों का प्रयोग ना किया हो ऐसा विश्व साहित्य में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस प्रकार हम काव्य में अलंकारों की भूमिका को इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम ये बता सकते हैं कि काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है। जब भी परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं तो आपको महत्व भी बताना पड़ता है कि इस अलंकार सिद्धांत का क्या महत्व है। तो अलंकारों का क्या उपयोगिता या महत्व है? काव्य को आकर्षक बनाने के लिए। जैसे कोई सर्वांग सुंदरी आभूषणों को धारण कर लेने पर सौंदर्य में चार चांद लगा लेती है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य को आकर्षक और सुंदर बना देता है। जैसे कोई सुंदर स्त्री है सब तरह से सुंदर है लेकिन यदि वह ज्वेलरी पहन लेती है, आभूषण पहन लेती है, तो वह और भी खूबसूरत दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार काव्य में जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तब हमको काव्य बहुत ही सरस और अच्छी प्रतीत होने लगती है। तो अलंकार से भले ही काव्य के बाह्य सौंदर्य में वृद्धि तो होती है किंतु यह भी निर्विवाद है कि अलंकार विहीन कविता काव्य रसिकों को आकृष्ट नहीं कर पाती। अलंकार काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उतनी यह बात सत्य है कि यदि किसी कविता में अथवा काव्य में अलंकार नहीं है तो वह जो काव्य के सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले जो श्रोता अथवा रसिक है उनको यह कविता आकृष्ट नहीं करती है। मतलब अलंकार जरूरी है काव्य को प्रभावी बनाने के लिए कि काव्य हमारे दिल को छू ले, बहुत ही प्रभावशाली हो जाए कोई काव्य, तो अलंकार के प्रयोग से काव्य अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है और पाठक और श्रोता अत्यंत तीव्रता के साथ उस भावना या उस फीलिंग्स को ग्रहण करते हैं जो वास्तव में जो कवि है वो जो उसको कन्वे करना चाहता है, जिसको वह मतलब एक्सप्रेस करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है। इस प्रकार कवि अलंकारों के माध्यम से या प्रस्तुत विधान के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। अप्रस्तुत विधान मतलब जो प्रस्तुत नहीं है, जो चीज दूर में है उसके माध्यम से वह हमको, जैसे किसी महिला के चेहरे की तुलना करते हैं कि चांद सा चेहरा है उसका, तो चांद इस प्रकार वह तुलना करते हैं। आज बहुत गर्मी है, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, आज बहुत गर्मी है, यह कथन उतना प्रभावशाली नहीं है। मतलब हम बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, यह अभिधा है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। यदि हम यह कहते हैं कि आज तो पृथ्वी तवे के समान जल रही है, सूरज आग बरसा रहा है, तो इस प्रकार हम इसमें वक्रोक्ति के माध्यम से, विचित्र उक्ति के माध्यम से हम अपनी बात करते हैं तब यह ज्यादा प्रभावशाली प्रतीत होती है। तो अयोध्या उपाध्याय हरिओं जी ने लिखा हुआ है, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा। तो इस प्रकार कवि क्या है, साधारण सी बातों को वक्रोक्ति के माध्यम से अथवा अतिशयोक्ति के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से और बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्रभावशाली बना देता है। इस प्रकार भाव के स्पष्टीकरण के लिए, मतलब भावना को या फीलिंग्स को, इमोशंस को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो जब कभी कोई कवि अपनी अनुभूति को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता है तब वो अलंकार का सहारा ले लेता है। इस प्रकार अलंकार वह लाठी है जो लंगड़े का सहारा बनती है। मतलब लंगड़े के लिए जिस प्रकार लाठी का महत्व होता है वैसे ही जो कवि है उनका यह प्रमुख शक्ति है अथवा हथियार। जैसे कि चिंता का वर्णन करना, यदि किसी कविता को, कवि को चिंता क्या होती है इसे बता पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि चिंता एक अमूर्त भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। परंतु जब प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, उसे सर्पिणी कहते हैं, सांप कहते हैं, तो उसकी भयावहता हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि चिंता कितनी भयावह होती है। चिंता भी हमें उतना ही जलाती है जैसे चिता जलाती है, और चिंता हमको जीते जी जला देती है, चिता तो मरने के बाद जलाती है। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा अरी विश्व की, अरी विश्व वन की ब्याली, ब्याली मतलब सांप। तो उन्होंने घुमा फिरा कर यह बात कह दी। इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, केवल हमारी बातों को, हमारी वाणी को सजाने के लिए अलंकार नहीं है, बल्कि वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। मतलब भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अलंकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अलंकार काव्य का साधन है, काव्य का साध्य नहीं है। मतलब अलंकार का प्रयोग करना
कवि केवल उसको एक साधन के रूप में प्रयोग करता है, अलंकारों का प्रयोग करना उसका लक्ष्य नहीं होता कि मुझे इस कविता में 10 अलंकारों का प्रयोग करना है, वह उसका लक्ष्य नहीं है। बल्कि काव्य की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए अलंकारों का प्रयोग कवि साधन के रूप में करता है। साध्य मतलब होता है लक्ष्य। कवि का मुख्य उद्देश्य तो वर्ण्य विषय को प्रस्तुत करना होता है, न कि अलंकार की योजना करना। मुख्य रूप से वह अपने जिस विषय को लेकर वह चल रहा है उसकी व्याख्या, उसका वर्णन करना चाहता है, न कि वह अलंकार योजना करता है कि मुझे इतने अलंकारों का प्रयोग करना है। तो वह अपने विषय को रमणीय व प्रभावशाली व आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का सहारा ले सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि एक एक पंक्ति में कई कई अलंकारों का प्रयोग कर देता है, 10-10 अलंकारों का प्रयोग कर देता है, तो वह काव्य दब जाता है और पाठक अलंकारों के चमत्कार में उलझ जाता है। इतने अलंकारों का प्रयोग कर देता है यदि कोई कवि, जैसे केशव जैसे जो कवि हैं उनके अलंकार योजना कुछ इसी प्रकार की है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आभूषण एक सीमा तक के सौंदर्य बढ़ाते हैं, किंतु यदि कविता सुंदरी को आभूषणों के बोझ से लादकर बोझिल बना दिया जाए तो उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। जैसे कोई महिला है ब्यूटी पार्लर गई है, थोड़ी बहुत उसको सजा दिया है ब्यूटी पार्लर वालों ने तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सजा दिया है उसको तो वास्तव में उसका चेहरा क्रूर दिखाई देने लगता है। जरूरत से ज्यादा मेकअप भी उसके चेहरे को बर्बाद कर देता है, सुंदरता को बेकार कर देता है। तो ठीक वैसे ही है, तो अलंकार मतलब आभूषण है, ज्वेलरी या सौंदर्य। कोई महिला कितनी भी सुंदर हो, लिमिटेड अगर वो आभूषण पहनती है तब अच्छा लगता है। अब बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेती है, कई बार अमेरिका दिखावा करने के लिए बहुत सारा ज्वेलरी पहन लेते हैं लोग, तो क्या वास्तव में उसके सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती बल्कि सौंदर्य कम हो जाता है। तो ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं जो इन्होंने बताया हुआ है उसके मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो यदि कोई महिलाएं लड़कियां देख रहे थे, अदरवाइज रहने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कंटेंट की आपको व्याख्या कर रहा हूँ, आपको तटस्थ भाव से मेरे लेक्चर को अटेंड करने की जरूरत है। एक बात और बताना चाहूंगा कि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं अथवा हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं, तो आप कोई विचारधारा या किसी दृष्टिकोण को लेकर इसे मत पढ़िए। आपको तटस्थ भाव से साहित्य का अध्ययन करें कि मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं ये वादी हूँ, मेरी ये विचारधारा है, मैं इस कम्युनिटी से हूँ, यह सबको आप छोड़कर सिर्फ एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में इन सारी चीजों को ग्रहण करेंगे, तभी एक अच्छा शिक्षक अथवा छात्र हो सकते हैं हिंदी साहित्य के। क्योंकि कोई भी विशेष प्रकार का चश्मा लगाकर जब आप इन चीजों का अध्ययन करते हैं, विशेष प्रकार का दृष्टिकोण आप खुद ही निर्मित करके पूर्वाग्रह के साथ यदि इन चीजों का आप अध्ययन करते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छा शिक्षक अथवा हिंदी साहित्य का अच्छा छात्र कभी नहीं बन सकते। मतलब हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है वह है सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना, कि मैं मार्क्सवादी हूँ, कि मैं गांधीवादी हूँ, कि मैं ये वादी हूँ, मैं वो वादी हूँ, मेरी विचारधारा ये है, मेरी मान्यताएं ये है, मैं इस राजनीतिक दल को बिलोंग करता हूँ, इन सारी चीजों को छोड़कर तटस्थ भाव से आप सीधा कंटेंट को ग्रहण करें कि वास्तव में जो कवि अथवा लेखक है उसकी विचारधारा क्या है, वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं, तभी आप साहित्य के मर्म को समझ पाएंगे। तो आपका जो दृष्टिकोण है, कोई विशेष प्रकार का चश्मा लगाकर आप किसी विशेष प्रकार के दृष्टिकोण से आप साहित्य का अध्ययन न करें। जैसे मैं कई बार चीजों का उल्लेख करता हूं तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ओपिनियन मानकर मत चलिए। जैसे यदि मैं मार्क्सवाद की व्याख्या करूं तो मैं कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से आपसे बात करूंगा, गांधीवाद पर चर्चा करूंगा तो उनके गांधी जी के जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक उसी प्रकार यदि अम्बेडकरवाद की चर्चा करूंगा तो अम्बेडकर जी के क्या विचार थे उस हिसाब से चर्चा करूंगा, गौतम बुद्ध की जो मान्यता है उनके हिसाब से बताऊंगा, आचार्य महावीर जी का जो दृष्टिकोण है, महावीर जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं तो उनके दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपना दृष्टिकोण आपको यहाँ पर नहीं बताता हूँ। तो आगे हम देखते हैं, तो फिर भी अलंकारों का काव्य में महत्व बराबर बना रहेगा, अलंकारों का महत्व हमेशा बना रहेगा। हिंदी के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनका कहना है, मैं अलंकारों के महत्व को भूल नहीं सकता, किसी प्रकार भी उनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल के बहुत से भेद खोले हैं जो अन्यथा अवशिष्ट रह जाते। तो बहुत सारी चीजें जो हमको दिखाई नहीं देती, यदि अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता तो कई बार जो कविता है उसमें जो मर्म जो उभर कर आता है, जो मुख्य संदेश जो उभर कर आता है वो उभर कर नहीं आ पाता। मतलब कोई कवि हम तक नहीं पहुंच पाता कि वास्तव में क्या कहना चाह रहा है, अपनी भावनाओं को संप्रेषित नहीं कर पाता सही ढंग से, तो अलंकारों के माध्यम से यह मुमकिन हो पाता है, इनका कहना है। डॉक्टर नगेंद्र इनका क्या कहना है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, वक्रता मतलब विचित्र प्रकार से कही गई बात, चमत्कार की प्रवृत्ति को अलंकारों के मनोविज्ञान से जोड़ा है। मतलब अलंकारों के मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें काम करती है, अतिशयोक्ति, वक्रता और चमत्कार। अलंकार की महत्ता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि दुनिया के किसी भी कवि का काव्य अलंकार विहित नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी कवि हुए हैं उनकी कविता में आपको कुछ ना कुछ अलंकार का प्रयोग दिखाई अवश्य पड़ेगा। कुछ भी हो, कवि को इस ओर अवश्य सजग रहना चाहिए कि अलंकार भावाभिव्यक्ति में साधक तो बने पर बाधक ना बने। लेकिन कोई भी कवि जो अलंकारों का प्रयोग करता है उसको अलंकारों का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने में साधक हो बल्कि बाधक ना हो। क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं तब क्या होता है, काव्य के सौंदर्य बढ़ने के बजाय उसका काव्य का सौंदर्य कम हो जाता है। जैसे मैं बताया कि कोई महिला बहुत ज्यादा आभूषण धारण कर लेती है, बहुत ज्यादा मेकअप कर लेती है, तो वह सुंदर दिखने के बजाय कुरूप दिखने लगती है, उसकी सौंदर्य कम हो जाता है। उसी प्रकार कविता में भी। और ये आज का जो मेरा लेक्चर है, ये जो आप अगर इस नोट्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है दो, hindiadab.com और hindishikha.com, ये दो मेरी वेबसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये लेक्चर आपको वहीं पर उपलब्ध होगा। तो यदि आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं, इसके बाद भी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं मेरे नोट्स को, तो आप मेरी वेबसाइट्स में जाकर देखिए, आपके काम की बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और मैंने इनका लिंक जो है नीचे आपको दे दिया है। इसके अतिरिक्त जो मेरे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो लेक्चर्स हैं उसको छात्रों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इसमें जाकर आप मेरे इसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और भारतीय काव्य शास्त्र की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो मैं 3-4 लेक्चर इसमें अपलोड कर चुका हूँ। आचार्य भरत मुनि का रस सिद्धांत, काव्य हेतु, काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन इत्यादि। धीरे धीरे अभी आपके और लेक्चर्स भी आएंगे, तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें, मेरे लेक्चर्स अटेंड करते रहें। और इसको कमेंट, इसको यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और आप अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।